गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स आई होप यू वॉच एवरी वीडियोज रेगुलरली एंड केयरफुली. टुडे इन दिस वीडियो वी आर सॉल्व द एक्सरसाइज एंड फाइंड द आंसर ऑफ एक्सरसाइज क्वेश्चंस. यू राइट इट इन योर नोटबुक एंड मेक ए नोट फॉर योर प्रिपरेशन. स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व द एक्सरसाइज. इन एक्सरसाइज ए टेक द करेक्ट ऑप्शन. एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस होते हैं. आपको इसमें चार ऑप्शन मिलते हैं, एक को टिक करना होता है. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देयर आर पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर विच वी कैन टच एंड फील. अर्थात कंप्यूटर का इसमें से कौन सा ऐसा पार्ट है जिसको आप टच कर सकते हैं और उसको फील कर सकते हैं. तो हियर सॉफ्टवेयर को आप नहीं कर सकते, ऑपरेटिंग सिस्टम को टच नहीं कर सकते और फील नहीं कर सकते. यू ओनली हियर हार्डवेयर. हार्डवेयर ही ऐसा पार्ट है कंप्यूटर में जिसको आप टच कर सकते हैं और फील कर सकते हैं, नॉट ट्रिक द हार्डवेयर. ऑप्शन नंबर टू. क्वेश्चन नंबर टू देखेंगे, विच इज एन आउटपुट डिवाइसेस. इसमें से आपको बताना है आउटपुट डिवाइस कौन सा है. तो कीबोर्ड इज, नो दैट कीबोर्ड इज इनपुट डिवाइस, स्कैनर इज आल्सो इनपुट डिवाइस एंड माउस इज आल्सो इनपुट डिवाइस, मॉनिटर इज ओनली आउटपुट डिवाइस. नाउ टिक ऑन द ऑप्शन नंबर फोर, मॉनिटर. नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, द इंस्ट्रक्शन इन मशीन लैंग्वेज आर रिटन विथ द हेल्प ऑफ दिस. मतलब मशीन लैंग्वेज किसी सहायता के द्वारा लिखा जाता है. तो यू नो दैट जीरो एंड वन पोजिशन पे होता है. जीरो इज अप पोजिशन एंड वन इज अन पोजिशन होता है. इसी की सहायता से लिखा जाता है. नाउ टेक द थर्ड ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर फोर, देयर आर मेनी बाइट्स फ्रॉम ए बाइट. एक बाइट में कितने बाइट होते हैं. तो यू नो दैट एक बाइट में 8 बाइट होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर टू को आप टिक करेंगे. क्वेश्चन नंबर फाइव, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम. इसमें से कौन ऐसा है चारों ऑप्शंस में जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है. तो एमएस विंडो आप जानते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम है, एमएस ओस ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है. तो आपको एमएस ऑफिस ये एप्लीकेशन होता है, यह ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है, इसलिए आप इसको यहाँ टिक करेंगे. बी, फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट, ए कंप्यूटर सिस्टम हैज, यहाँ पर आ गया टू मेन पार्ट्स. अर्थात कंप्यूटर सिस्टम के दो ही मेन पार्ट्स होते हैं, एक होता है सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है हार्डवेयर. सेकंड क्वेश्चन, हार्डवेयर आर द फिजिकल यूनिट ऑफ ए कंप्यूटर. यहाँ आप हार्डवेयर भरेंगे, ये फिजिकल यूनिट होती है कंप्यूटर की. थर्ड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम इन एनी कंप्यूटर इज द ऑपरेटिंग सिस्टम. अर्थात कंप्यूटर का सबसे मेन प्रोग्राम जो होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है, इसलिए आप थर्ड में ऑपरेटिंग सिस्टम भरेंगे. फोर्थ में देखेंगे, कंप्यूटर वर्क्स विथ ओनली टू डिजिट्स, जीरो एंड वन. कंप्यूटर सिर्फ दो ही डिजिट पे काम करता है, जीरो एंड वन. ए बाइट इज द कलेक्शन ऑफ 8 बाइट्स. एक बाइट में 8 बाइट होते हैं. नाउ सॉल्व द एक्सरसाइज नंबर सी. राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स. फर्स्ट, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन. यू नो दैट स्टेटमेंट इज गुड करेक्ट. So you write here T. Second, hardware is the part of a computer which we can touch and feel. Hardware एक ऐसा पार्ट होता है कंप्यूटर का जिसे हम फील कर सकते हैं और टच कर सकते हैं. तो यह सही है आप स्टेटमेंट, इसलिए आप यहाँ भी T लिखेंगे. LCD projector is an output device. LCD projector output device है, तो that option is also true. द सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्ट्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू. इट इज द ट्रू लाइन. अर्थात सॉफ्टवेयर आपको इंस्ट्रक्शन देता है, बताता है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है. सॉफ्टवेयर ही बताता है कंप्यूटर को. ए बाइट इज द कलेक्शन ऑफ 9 बाइट्स. यह आपका रॉन्ग है, 8 बाइट्स होते हैं, इसलिए आप यहाँ पर एफ लिखेंगे इस बॉक्स में. नाउ वी फोकस ऑन द क्वेश्चन आंसर. डी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. इन 5 क्वेश्चन दिए गए हैं आपको, इनका आंसर लिखना है आपको. व्हाट इज ए कंप्यूटर सिस्टम, पहला क्वेश्चन है. कंप्यूटर सिस्टम क्या है. सेकंड, डिफाइन हार्डवेयर, हार्डवेयर किसे कहते हैं. थर्ड, व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द मेमोरी. अर्थात मेमोरी के कितने डिफरेंट पार्ट्स होते हैं आपको बताने हैं. व्हाट इज सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर क्या है. एंड लास्ट क्वेश्चन, डिफाइन फील्ड, फील्ड को डिफाइन करना है. तो स्टूडेंट्स इन प्रश्नों का उत्तर आपको नेक्स्ट स्क्रीन पर दिया गया है. You was there and write in your notebook.